Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, in this video I am explaining the scintillation counter. देखो दोस्तों, जो पुराने टाइम में क्या था, अल्फा पार्टिकल का डिटेक्शन है, अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग है, वो क्या है, सिंटिलेशन काउंट करके की जाती थी. कैसे? कोई भी अल्फा पार्टिकल है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड से जैसे ही जाके टकराता था, स्टक करता था, तो क्या है, वो लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस होती थी, सिंटिलेशन प्रोड्यूस होती थी. उन सिंटिलेशन को काउंट करके अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग की जाती थी. लेकिन उस टाइम क्या है, जो माइक्रोस्कोप तो लो क्वालिटी के थे ही, और जो फ्लैशेस प्रोड्यूस होती थी, उन फ्लैशेस को क्या है, अप्रोप्रिएटली काउंट करना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता था. सो क्या, अल्फ़ा पार्टिकल की जो काउंटिंग है वो ठीक नहीं हो पाती थी. सो उस टाइम क्या है, मोर अटेंशन ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों ने क्या है, गैस बिल डिटेक्टर को डेवलप करने में लगा दी. लेकिन क्या है, कुछ साल बीते, उसके बाद क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स इनका इन्वेंशन हो गया. फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का इन्वेंशन होगा, तो क्या हुआ, जो जो लाइट फ्लैशेस थी, वीक लाइट, जो लाइट फ्लैशेस थी, उनको क्या है, अप्रोप्रिएटली काउंट करना पॉसिबल हो गया. सो क्या है, सिंटिलेशन काउंटर से अब क्या है, भी अल्फा पार्टिकल या कोई दूसरी रेडिएशन है, उनका डिटेक्शन करना काफ़ी आसान हो गया. सो क्या है, अब नाउएडेज सिंटिलेशन काउंटर क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है रेडिएशन के डिटेक्शन के लिए. तो सबसे पहले अपने को तो इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और अपने फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी डिस्कस करेंगे भी कैसे, क्या होती है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, और कैसे डिटेक्शन होता है, कैसे फ्लैशेस काउंट होती है, कैसे डिटेक्शन होता है सिंटिलेशन काउंटर में. सबसे पहले तो प्रिंसिपल सिंटिलेशन काउंटर का सिंपल है. देखिए, कोई भी जैसे अल्फा पार्टिकल या कोई भी रेडिएशन है या कोई भी आयनाइजिंग पार्टिकल है, वो जिंक सल्फाइड या कोई और फ्लोरोसेंट मटेरियल लाइक कैडमियम आयोडाइड या कोई भी और है, उसके साथ जब जाके स्ट्रक करेगा, उसके साथ जाके टकराएगा, तो क्या है, सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगी, फ्लैशेस, लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगी. वो जो लाइट फ्लैशेस हैं उनको फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स के द्वारा अपने काउंट कर लेंगे, और क्या है, उस आयनाइजिंग पार्टिकल का डिटेक्शन कर पाएंगे. देखो, सिंटिलेशन काउंटर में मेन थ्री पार्ट्स होते हैं. एक तो पहला पार्ट तो सिंटिलेटर, इसको फोस्फोर भी कहते हैं. ये वो मटेरियल होगा जिसके साथ अल्फा पार्टिकल जब टकराएंगे या कोई रेडिएशन टकराएगी, तो फ्लैशेस प्रोड्यूस होगी. वो मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड इसका एग्जांपल है, ये सिंटिलेटर है. ओके, दूसरा जो होगा इसका पार्ट, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जो अपने डिस्कस करेंगे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. और तीसरा होगा काउंटिंग डिवाइस, भी जो फ्लैशेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको काउंटिंग डिवाइस में भेजा जाता है, और उस वहाँ पे अल्फा पार्टिकल की क्या है, कोरस्पोंडिंगली काउंटिंग हो जाती है. ठीक है, पहले तो अपने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर वर्किंग पढ़ेंगे. जब अपने वर्किंग पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या है और कैसे ये सारा वर्क करता है. सबसे पहले इसकी वर्किंग और स्ट्रक्चर इकट्ठी चलेगी. सिंटिलेशन काउंटर का ब्लॉक डायग्राम अगर बनाया जाए तो कैसे होगा. सबसे पहले तो आएगा ये सिंटिलेटर, यानी फॉस्फोर, जिंक सल्फाइड या कोई भी और मटेरियल का बना हुआ फॉस्फोर, उसमें क्या है, सबसे पहले जो रेडिएशन है उन इंसिडेंट कराई जाएगी. अल्फा पार्टिकल है या कोई भी रेडिएशन है, इंसिडेंट कराई जाएगी. जब इंसिडेंट कराएंगे तो ये लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करेगा. इन लाइट फ्लैशेस को क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में भेजा जाएगा. तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स के बाद में जो इम्पल्स प्रोड्यूस होगी उसको काउंटिंग डिवाइस में भेजा जाएगा. काउंटिंग डिवाइस, मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में पूरा नेम ही लिखना, और उसके बाद में काउंटिंग हो जाएगी रेडिएशन की. तो सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे सिंटिलेटर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है सिंटिलेशन काउंटर का, सिंटिलेटर. तो सिंटिलेटर कैसे वर्क करता है,
जैसे ही रेडिएशन है सिंटिलेटर पर इंसिडेंट होगी तो इन सिंटिलेटर के जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, उसके बाद में जब डी एक्साइट होंगे तो वो क्या है अपनी जो एक्साइटेड एनर्जी है फोटोन के रूप में एमिट करेंगे, फोटोन के रूप में एमिट कर दी एनर्जी, यानी कि अपने फोटोन के रूप में एमिट कर देगी, वो जो फोटोन के रूप में एनर्जी एमिट होगी वो क्या ह्यूमन आइस जो अपने आई नॉर्मल आइस से अपने उसको देख नहीं पाते। तो क्या है सिंटिलेटर में क्या है थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, फॉर अलग अलग मटेरियल में अलग अलग ऐड की जाती है, जैसे जिंक सल्फाइड में क्या है Ag को ऐड कराया जाता है, कैडमियम आयोडाइड है इसमें थैलमियम को ऐड कराया जाता है, वो जो एम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसको एक्टिवेटर कहते हैं। एक्टिवेटर का मेन रोल क्या होता है, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसको विजिबल रीजन में शिफ्ट कराना, बस ये इसका मेन वर्क होता है, इसलिए एम्प्योरिटी इसमें थोड़ी सी ऐड की जाती है। अब सिंटिलेटर से जो लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस हुई वो विजिबल रीजन में है, पर वो क्या है थोड़ी सी काउंट करने में क्या है थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको। तो क्या है जो फ्लैशेस प्रोड्यूस होती है उनकी काउंटिंग किससे की जाती है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब से। सिंटिलेशन सिंटिलेटर से जो लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगी वो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में सेंड की जाएंगी। अब फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब क्या है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब की स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। इसमें क्या है ये पूरा सिंटिलेशन काउंटर का डायग्राम बनाया गया है, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, और ये वाला जो है ये है सिंटिलेटर। सबसे पहले क्या है जो इनकमिंग पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल मैंने सिंटिलेटर पर इंसिडेंट कराए, जिससे क्या फोटोन प्रोड्यूस हुए, लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस हुई, लाइट फ्लैशेस को मैंने कहाँ डाला, ये जो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है इसकी फोटो कैथोड पे, फोटो कैथोड पे मैंने फोटोन डाले, तो फोटो कैथोड पे जैसे इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन डले तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का अमीजन शुरू हो गया। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स में क्या है बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ये तो है कैथोड और ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कहते हैं डायनोड्स, डायनोड फर्स्ट डायनोड सेकंड डायनोड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैंने यहाँ पे 5 डायनोड दिखाई गई हैं लेकिन जनरली 10 से लेकर 11 डायनोड्स होती हैं एक सिंटिलेशन काउंटर में, जो लास्ट वाली डायनोड होती है उसको एनोड कहते हैं। ये डायनोड है एक दूसरे से क्या है पॉजिटिवली, इनके बीच में पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर फोटो कैथोड पे 0 वोल्ट था, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ 100 वोल्ट है तो यहाँ पे 200 वोल्ट, यहाँ 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, इससे आगे वाले को 600, 700, 800 लास्ट तक जाते जाएंगे, इसे 100 बढ़ती जाएंगी, इंक्रीजिंग पोटेंशियल लगाया जाता है। तो क्या होता है जैसे ही फोटोन यहाँ मिट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन फोटो कैथोड से निकला। अब इलेक्ट्रॉन फोटो कैथोड से निकला, यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर 100 वोल्ट है, सो इलेक्ट्रॉन क्या है इस तरफ एक्सेलरेट होगा, सो इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ेगा, पहली डायनोड के साथ स्ट्रक करेगा, टकराएगा, और जो ये डायनोड है ये स्पेशली कंस्ट्रक्ट होती हैं, ये सेकेंडरी एमिजन शो करती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन से और कई इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3-4-5 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे। अब ये जो 4-5 इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएंगे तो 5 से ये 20-25 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, मतलब स्पेशली ये बनाई जाती हैं डायनोड्स ताकि ये सेकेंडरी एमिशन शो कर सके। जनरली क्या है ये जो सेकेंडरी एमिशन रेशियो है 4-10 होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 4-10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकता है। अपने मिनिमम लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आगे 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन 4 फर्दर सेकेंडरी एमिशन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोड 11 इलेक्ट्रोड्स 11 डायनोड्स अपने फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में यूज कर रहे हैं तो लास्ट डायनोड तक कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, 4^10, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लास्ट डायनोड तक पहुंचता 4^10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, यानी कि आउटपुट में मेजरेबल करंट होगी, मेजरेबल आउटपुट वोल्टेज होगी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में। सो क्या है इस तरह फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है लाइट फ्लैश को इलेक्ट्रिकल पल्स में बदल दिया जो कि आसानी से मेजर कर सकते हैं, वो जो फिर इलेक्ट्रिकल पल्स होगी उस इलेक्ट्रिकल पल्स को अपने काउंटिंग डिवाइस में भेज देंगे।
जहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी, जिससे अपने क्या है पार्टिकल्स की इजीली डिटेक्शन हो सकता है इस तरह फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से। ये जो स्पेशली कंस्ट्रक्ट डायनोड्स हैं ये बनाई जाती हैं स्पेशल मटेरियल या बेरिलियम ओ एम जी ओ एक्सेट्रा इस तरह के इस टाइप के मटेरियल से ये डायनोड बनाई जाती है ताकि सेकेंडरी एमिशन हो सके। अब जब जो सिंटिलेशन काउंटर है उसका जो टाइम करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ले रहा है, ट्रांजिस्ट टाइम है, उस पर डिपेंड करती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। और जनरली ये देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से मिट हुआ वो लास्ट डायनोड तक पहुँचने में 30 to 80 नैनो सेकेंड का टाइम लेता है। यानी कि जो सिंटिलेटर काउंटर है अगर टाइम ऑफ अराइवल टू पार्टिकल्स के बीच में 30 to 80 नैनो सेकेंड है, उन दोनों पार्टिकल को सिंटिलेशन काउंटर आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड पे मिट हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है उससे जस्ट 80 नैनो सेकेंड बाद मिट हुआ, तो दोनों को फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से सिंटिलेशन काउंटर से इजीली अपने डिटेक्ट कर लेंगे। यानी कि जो सिंटिलेशन काउंटर है वो गीगर मूलर काउंटर गैस फील्ड डिटेक्टर से बहुत ही तेज काम करता है, उससे सुपीरियर है सिंटिलेशन काउंटर। इसलिए सिंटिलेशन काउंटर को अपने बेसिकली ज़्यादा कॉमन है इसका यूज़। देखो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरा यूट्यूब चैनल है थोड़ा तरक्की की तरफ बढ़ सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।